जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं रीजनिंग की टॉपिक लेकर, जिसका नाम है एनालॉगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सदृश्यता। क्या बोलते हैं? सदृश्यता। इस प्रकार जो लिखा जाता है ये है सदृश्यता। इससे पहले हमने कोडिंग देखा है, कोडिंग डिकोडिंग देखा है, और उसके बाद और कुछ देखे थे कोडिंग डिकोडिंग के बाद। ये उससे आपका मिलता जुलता टॉपिक है ना। अल्फ़ाबेट था, कोडिंग डिकोडिंग था, और है ना, ये उससे मिलता जुलता टॉपिक है। यदि आपका कोडिंग कंप्लीट है या फिर अच्छे से आपने समझा है, तब आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एनालॉगी। तो एनालॉगी क्या होता है, देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं है ना, दो वस्तुओं के संबंध विचार होता है। ठीक है, दो वस्तुओं के संबंध विचार या फिर संबंध दर्शाया जाता है, संबंध। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच संबंध बताया जाता है इसमें, और उसी संबंधित नीचे कुछ ऑप्शन रहते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, मछली और पानी दे दिया जाए, है ना, मछली और पानी दे दिया जाए। इसको काट देता हूँ मैं सबसे पहले, है ना। हमको क्या दे दिया जाएगा, मछली, और दे दिया जाएगा पानी। उसके बाद दे दिया जाएगा कि नीचे कुछ ऑप्शन को बताइए। तो इसमें मैं एक ऑप्शन लिख देता हूँ, पक्षी, है ना, और आसमान। तो इसमें आप क्या समझेंगे कि मछली पानी में रहती है और पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो पहले आपको कुछ कोडिंग दे दिया जाएगा, कुछ विचार दे दिए जाएंगे, उससे मिलता जुलता आपको या फिर उससे ओरिजिनल आपको नीचे ऑप्शन बताना रहता है। ठीक है, तो सदृश्यता आपके तीन प्रकार की रहती है। सबसे पहला प्रकार है आपकी संख्या वाला, है ना, नंबर वाला। दूसरा है लीटर वाला, और तीसरा है आपका वुड, है ना, शब्द, वर्ड, शब्द वाला। ठीक है, तो चलिए अब से इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमको दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में संख्याओं के बीच आपस में कोई संबंध है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न में आपस में कोई संबंध है, उसी प्रकार आपको क्वेश्चन वाले में दिया गया है, क्वेश्चन मार्क में दिया गया है, तो आपको सही बताना है। देखिए, आपको दिया गया है 5 और 20, 25 के बीच क्या संबंध है। मैं बगल में लिख के जा रहा हूँ ना, जिसको नहीं दिख रहा है वो, क्योंकि इमेज छोटा है ना। तो यहाँ दिया गया है 5 का 25 जो रिश्ता है, जो संबंध है, वही रिश्ता आपका 6 और इस क्वेश्चन मार्क में है। तो इसको मैं आपको आंसर लगाना है। देखिए, क्या 5 का स्क्वायर 25 है क्या, है ना, क्या 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 25 मिलेगा। चलिए, एक तो हमने सोचा कि मे बी ऐसा हो सकता है। उसी प्रकार हम देखते हैं, क्या 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 36 मिलेगा। 36 मेरा ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो यही मेरा ऑप्शन है। ठीक है, हमने कैसे पहचाना, जो पहले दिया गया था समानुपात के पीछे, या उसके पहले जो क्वेश्चन हमको दिया गया है कि 5 और 25 में कुछ रिलेशन है, तो हमने निकाला कि 5 25 जो है, 5 का तो वर्गमूल है, सॉरी, 5 का तो वर्ग है, और 5 जो है 25 का वर्गमूल है, तो ऐसे हमने कुछ निकाला। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में विकल्पों में वह सेट चुनिए जो जो नीचे दिए हुए सेट है। इस सेट को आपको बेस लेना है, क्या बेस लेना है, 12, 20 और 28 को। अब इसमें कुछ संबंध देखिए, है ना, इसमें कुछ संबंध देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम अंतर देखना चाहें तो 12 और 20 में अंतर कितना है, तो 12 और 20 में आपका 8 का अंतर है, और 20 और 28 में हमको 8 का अंतर है। तो नीचे ऐसा कोई ऑप्शन देखना है जिसमें 8 का अंतर हो। 15 और 3 में 8 का अंतर है क्या, नहीं है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। 18 और 30 में 8 का अंतर, बिल्कुल नहीं है। 28, 70, 72 में 8 का अंतर, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस 7 और 15 के बीच 8 का अंतर होता है, 15 और 23 के बीच 8 का अंतर होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 7, 15 और 23, ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो पिछले वाले के रूल को फॉलो करें। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में समान विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो ए बी सी जेड वाई एक्स सी बी ए। अब ये बताइए ये क्या चीज़ है ना। तो सबसे पहले हमको किस में देखना है, ए बी, एक मिनट, ए बी और ये सी, ये जेड वाई और एक्स से संबंधित है। कैसे संबंधित है, देखिए, क्या हमको उल्टा वाला याद है ना, जो हमने आपको पढ़ाया था। तो ए का उल्टा होता है जेड, और बी का उल्टा होता है वाई, और सी का उल्टा होता है एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमको निकालना किसका था, तो सी
बी ई का, ठीक है, इनको हमको उल्टा निकालना है। तो सी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा होता है आपका एक्स, ठीक है, बी का उल्टा होता है वाई, है ना, बी का उल्टा होता है वाई, और ये बी का हो गया। अब ए का उल्टा होता है जेड। तो देखिए एक्स वाई जेड हमारे पास कहीं है ऑप्शन में, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ये है हमारा एक्स वाई जेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विम्बलडन ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है, तो वॉकर जो कप है वो किस खेल से संबंध है, विम्बलडन ट्रॉफी जो टेनिस से संबंधित है उसी का प्रकार जो वॉकर कप है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताइएगा। हम नेक्स्ट चलते हैं, कबूतर जो है शांति का प्रतीक है ना, कबूतर जैसे लिखा है उसके हिसाब से कबूतर जो शांति का प्रतीक है, तो नीचे ऑप्शन क्या सही बैठते हैं, क्या ताज सिर का प्रतीक है, ये क्या युद्ध स्वतंत्रता का प्रतीक है, नहीं ताज सिर का प्रतीक नहीं होता, श्वेत ध्वज आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है, ठीक है। यदि कोई दो ग्रुप लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले की बात है, यदि वो श्वेत ध्वज फहरा दे तो इसका मतलब वो शांति चाहते हैं, है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी वाला। अगला क्वेश्चन है रविवार का शुक्रवार से जो संबंध है वही संबंध बुधवार का खाली स्थान से है। तो सबसे पहले लिखते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, या हिंदी में लिखना चाहे तो जो हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में कैसे लिखें देखिए, तो ये होता है आपका रविवार, रवि के बाद सोम है, सोम के बाद आपका आता है मंगल, मंगल के बाद आता है आपका बुध, है ना, बुध के बाद आता है गुरु, गुरु के बाद आता है शुक्र, और शुक्र के बाद आता है शनि। अब क्या कहा गया है, रविवार का शुक्रवार से जो संबंध है, तो रविवार से 1, 2, 3, 4, 5 हमने आगे बढ़ा, है ना, रविवार में हमने 5 प्लस किया, उसी प्रकार आपको बुधवार में 5 प्लस करना चाहिए, तो ये बुधवार लिख लेते हैं और प्लस करते हैं 5, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। बुधवार कहाँ लिखा है, यहाँ, तो 1, 2, 3 और ख़त्म हो गया तो वापस जाइए, ये 4 और ये 5, ठीक है, ये 4 और ये 5, पाँचवे में हमको क्या मिला, सोमवार मिला, क्या ऑप्शन मेरा सोमवार है, बिल्कुल है, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, वैसा कौन वैसा है जैसे सोम मंगल बुध, ठीक है, वैसा कौन है जैसे सोम मंगल बुध, ठीक है, तो वैसा कौन है सोम मंगल बुध, तो ये हो जाएगा गुरुवार, ठीक है, ये हो जाएगा गुरुवार, सोम मंगल बुध, और ये हो जाएगा आपका गुरुवार, क्यों, देखिए जुलाई आपके महीने का नाम है, सप्ताह 7 दिनों का समूह है, और वर्ष 365 दिन 12 माह का समूह होता है, तो ये अंतर इसमें क्या मिला मुझे, गुरुवार मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार 19 जो है ना, 19 जो है 37 से संबंध है, उसी प्रकार 26 भी किसी न किसी से संबंध है, तो 19 दुनी 38 होता है क्या, यदि मैं 19 को 2 से गुना करूँ तो मुझे 38 मिलता है, और 1 कम करूँ तो 37 मिलता है, यही हुआ है, ठीक है। अब हमको 26 का दुगुना करना है, ठीक है, 26 का दुगुना करना है और उसमें 1 कम करना है, 26 दुनी होता है 52, और 52 में 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 51, तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 51, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, जिस प्रकार 68 का संबंध आपका 100 से है, उसी प्रकार 5 और 4 का संबंध किससे है, ठीक है, 5 और 4 का संबंध किससे है। अब देखिए 68 बना कैसे है, है ना, 68 में हम 6 और 8 इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, तो 6 6 के 36 और 8 8 64, इन दोनों को जोड़ने पर हमको 100 मिलता है, है ना, तो हम इस प्रकार हमको 4 और 5 इनके स्क्वायर करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 16 और 5 का हो जाएगा 25, दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, देखिए दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है 6 5 11 41 मिलता है ये आंसर, ठीक है, तो इसके बाद आंसर आ जाएगा 41, कहाँ पे 41, ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए मुझे मिटाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास जगह कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है वो ये है कि 20 11 और 102 के बीच क्या संबंध है, 20 11 और 102 के बीच क्या संबंध है वो हमको बताना है, 20 11 2001 2000 के बीच हमको क्या संबंध है, तो 20 में 1 जोड़ा गया है तो 11 हुआ है, ठीक है, 20 में 1 जोड़ा गया है तो कितना हुआ है, 11, सॉरी
20 में एक भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या ट्रिक बैठता है, तो सबसे पहले इस 20 को आधा किया गया है, उसके बाद एक जोड़ दिया गया, आधा किया गया तो कितना बचा, ये हो गया 10 और प्लस 1 तो ये 11 हो गया। तो इसी प्रकार हमको 102 का आधा करना चाहिए और इसमें एक प्लस करना चाहिए। ठीक है, 102 का आधा हो गया आपका 51। ठीक है, और 51 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 52 आंसर। 52 कहीं मेरे पास ऑप्शन में है क्या, ये है मेरे पास ऑप्शन में 52। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2, 8, 5 का जो संबंध है, 2 और 8 का संबंध, वैसे 5 का देखिए, 2 को 8 का संबंध है, तो 2 को हम 8 कैसे लिख सकते हैं, क्या 2 को मैं कितने बार गुना करूं, 2 × 2, 2 × 2 मैंने 3 बार गुना किया, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, 3 बार गुना किया। उसी प्रकार 5 को भी 3 बार गुना कर देता हूँ, तो 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कहाँ पे है ये। मैं 2 को 8 बनाने के लिए क्या किया, 2, 2, 2 से 3 बार गुना किया। उसी प्रकार जो प्रक्रिया मैं लेफ्ट हैंड साइड में करूँगा वही राइट हैंड साइड में करूँगा, ये एनालॉगी का फर्स्ट रूल है। तो 5 को 3 बार स्क्वायर क्यूब करता हूँ तो मुझे मिलता है 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला ये दिया गया है 243, सॉरी ये 3 है, 3 का हुआ है 243। उसी प्रकार आपको 5 का कुछ करना होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको 5 का कुछ करना होगा, 5 ये ऐसा। ठीक है, तो 3 का 243 कैसे आएगा। ठीक है, यदि मैं 3 को 5 बार गुना करूं आपस में, ये मतलब 3 की पावर 5 बराबर होता है 243। उसी प्रकार आपको 5 का पावर 5 करना है। ठीक है, 5 का पावर आपको 5 करना है, तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा 3125। ठीक है, 5 को 5 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3125, आप करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इफ़ का वैल्यू दिया गया है 216। ठीक है, एफ़ का वैल्यू दिया गया है 216, उसके बाद आपका एल का वैल्यू दिया गया है ना, एल का वैल्यू दिया है और एल दिया गया और आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, आपको वैल्यू बताना है। तो एफ़ क्या कुछ पता चल रहा है कि एफ़ क्या होता है। सबसे पहले इंग्लिश में देखा है तो एफ़ ABCDEF, एफ़ आपके 6 नंबर पे आता है। ठीक है, और 6 का क्यूब क्या कहा, 6 का जो क्यूब है वो है 216। इसका मतलब हमको एल का ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, एल होता है 12। ठीक है, एल होता है 12, अब इस 12 को हमको क्यूब करना है। जैसे हम 12 को क्यूब करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1728, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 243 ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया क्या, 243 ये नीचे वाला बस हुआ है, बाकी ऊपर का रिपीट हो गया। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं बस, ये वाला 7 का 45 कैसे आया, 7 का 45 कैसे आया, और उसी प्रकार हमको 5 का क्या निकालना है। ठीक है, 7 का 45 कैसे आया, इन दोनों को देखिए तो ये तो 5 × 9 हो रहा है, नहीं 7 तो हो नहीं रहा है। अब देखिए इसमें कैसे निकाला गया है, तो 45 के आसपास 7 × 7 = 49 नहीं ज़्यादा हो रहा है, 7 × 6 = 42, एक बार देखते हैं। तो 7 × 6 बराबर होता है 42। ठीक है, अभी 45 में जाने के लिए हमको 3 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब सेम प्रोसेस हम इस सेट करते हैं, तो 5 × 6 कर देते हैं, ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, ये हो जाएगा 33, ये जो हमारा है आंसर फाइनल। अगला क्वेश्चन है 283 संबंधित है 26 से, उसी प्रकार 124 कैसे संबंधित है। ठीक है, 124 जो है वो कैसे संबंधित है, चलिए क्या लिखा गया है, 283 और ये 26। पहले इन दोनों के बीच हमको रिलेशन निकालना है, है ना। तो 26 ये तो बड़ा अमाउंट है, कैसे होगा, सबसे पहले 8 3 11 11 12 13,
है ना, इनका योग करेंगे तो हमको मिल जाता है 13, और 13 का दुगुना करेंगे तो हमको 26 मिलता है। ठीक है, अब उसी प्रकार हमारा आंसर है 124। इन दोनों को, तीनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 1 7। ठीक है, 6 1 7। अब इस 7 का गुना करना है 2 से, तो 7 2 14। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 14। अगला क्वेश्चन इसी में, 16 64 और ये हो गया 36। 16 64 से किस प्रकार संबंधित है? 16 जो है तो 16 चौके 64, या ऐसा कर सकते हैं 16 चौके 64, 16 एकम 16, 16 चौके 64। तो 36 को यदि हम 4 से गुना करें तो, क्योंकि 4 से गुना हो के आ रहा है, देखिए 16 एकम 16, 32 33, 16 चौक 64, अपने से 64 गुना, या 16 से काटे हैं तो 16 चौक 64 होगा ना, 1 मिनट, ये हो जाएगा 16 चौक 64। तो हमको 36 से 4 को गुना करना है, तो 6 चौके 24, 4 और 4 3 12 13 14। ठीक, ये हम इसी को और कैसे देख सकते हैं, देखिए इसमें तो हमारा नहीं जम पा रहा है ना, तो अब देखते हैं ये किसका स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, और ये किसके स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो 8 8 64। ठीक है, ये हो गया आपका 8 8 64। 36 किसका है, तो 6 6 के 36, ठीक है, 36 किसका है, तो 36 है आपका, 6 का स्क्वायर आपका 36 कहलाता है। और इसके आगे का लिखेंगे तो क्या होगा, हमको इसके आगे का आंसर निकालना है ना। ठीक है, तो जैसे यहाँ किए थे तो एक तो आगे होगा नहीं, ठीक है, इससे डबल होगा, तो ये 8 वाला हमारा कॉमन नहीं बैठ रहा है, तो और कोई दूसरा सोचते हैं, है ना, और कोई दूसरा सोचते हैं, दूसरा सोचते हैं क्या होगा, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब ये हुआ। ठीक है, अब बैठा 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ठीक है, अब देखते हैं ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब देखेंगे, 6 का क्यूब क्या होता है, 6 6 के 36, आपका 6 जो लास्ट डिजिट है उसका आंसर आना चाहिए, तो ये हो आपका 216। 6 का क्यूब करेंगे तो हमको 216 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 216, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PT की वैल्यू 6 लिखा गया है ना, जो P और T है इसका वैल्यू लिखा गया है 6, उसी प्रकार आपको N और B को बताना है, N और B को बताना है, तो P और T की वैल्यू लिखा गया है 6। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं, देखिए P और T 6 कैसे आए, देखिए P की वैल्यू कितनी होती है 16, ठीक है, T की वैल्यू कितना होता है 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 20 16 36, और ये जो 36 है जो 6 का वर्ग होता है। उसी प्रकार इन कितना, इन की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 2, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाता है 16। 16 किसका पूर्ण वर्ग है, तो ये है आपके 4 का, तो इस प्रकार ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं, 49, ठीक है, ये 64 और ये 81। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्या होगा देखिएगा, ये 49 किसका स्क्वायर है, तो ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है, 64 8 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है 81, इसका मतलब ये लाइन से जा रहा है 7 8 9, तो अगला क्या होगा 10, 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, आंसर में कहीं है क्या, ये देखिए ऑप्शन में हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट हमको दिया गया है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है 5 और ये 36। ठीक है, उसी प्रकार आपको 6 का निकालना है, उसी प्रकार आपको 6 का निकालना है, तो ये कैसा है देख लीजिएगा, ये 36 कैसे आया, तो सबसे पहले 5 से एक आगे संख्या देखते हैं 6, और इसी से प्लस करेंगे, तो 6 5 30 और 30 प्लस 6 हो जाता है 36। ठीक है, ये हो जाता है 36। अब इस साइड देखते हैं तो 6 से एक आगे संख्या 7 है और इसी से हमको ऐड करना है, तो 6 7 42, ठीक है, 6 7 42, 42 में आपको 7 जोड़ना है,
तो 42 में 7 जोड़ेंगे तो 7 2 9 49, तो ये हो जाएगा हमारा 49 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसमें और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्वेश्चन क्या है। सी को लिखा गया है 16, उसी प्रकार एफ को क्या लिखा जाए। ठीक है, सी को 16 लिखा गया है तो एफ को क्या लिखा जाए। सी की वैल्यू कितनी होती है, ए बी सी, सी की वैल्यू होती है 3। ठीक है, सी की वैल्यू क्या होती है, 3, और इसमें एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 एक पूर्ण वर्ग है। एफ की वैल्यू कितना होता है, ए बी सी डी ई एफ, 5, ए बी सी डी ई एफ 6 होता है। सी की वैल्यू होती है ए बी सी 3। ठीक है, उसमें एक जोड़ा जाए तो ये होता है 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। उसी प्रकार एफ की वैल्यू कितनी होती है, तो ए बी सी डी ई एफ, एफ की वैल्यू होती है 6, और 6 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ऑप्शन में कहीं 49 है, बिल्कुल बिल्कुल है, ये देखिए ऑप्शन में हमारा 49 भी है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।